हमने बार्ड वायर का जो सिलसिला बॉर्डर के किया हुआ है, जो तरीके हमने और जितनी कुर्बानियां दी है वो तमाम आप खाक में मिला रहे हैं। कहते हैं अफगान हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए कि वो अपनी सरजमीन पे उनको ना रहे, अब उनकी भी बाइंडिंग है उनके साथ क्योंकि उनके रिलेशन भी हैं, उनके साथ भी रहे। अफगानिस्तान का जो साहिल है वो पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। आप अजमल खटक की वो देखे कि वो बागी वहां से पूरे बलूचिस्तान में जो करता रहा, इसी तरह और काफी सारे लोग वहां से पाकिस्तान में तकरीबकारी करते रहे, ये होता रहेगा। अगर आप इनको मजबूर करें तो ये इनको उठाकर, और इसमें से मैं कहता हूँ ये जो पूरा स्वाद से लेके नीचे तक इलाका है, सिर्फ एक जो नॉर्थ वजिस्तान के सामने है, ये लोग जो है पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। और इनके पीछे ज़दरान ट्राइब है, ज़दरान मीन्स हकानी, हकानी जो है ज़दरान ट्राइब का है। और ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि उनका आपस में आना जाना इसी तरह चलता रहे, वो इसलिए उनके पॉइंट सपोर्ट करते और आपको कहते हैं कि जी इनके साथ बातचीत करें। आप इनकार कर दे 100% कि हमने कोई बात तो कंदूर उठा के इनको उठा के वो इंटीरियर अफगानिस्तान में कहीं पर जहाँ से वो पाकिस्तान में कमाई नहीं कर सकते, ये इस तरह होता रहा है। अजब खान अफरीदी का नाम हम सुनते रहे, वो कौन था? वो कुंदूज में उसको जमीन दी हुई है और वो उसके बच्चे जो है अभी वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। तो इन चीजों के ऊपर हमें फर्म होना चाहिए और ये जो बातचीत का ऑप्शन है ये टोटली नॉट अवेलेबल होना चाहिए।